नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। जैसा कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। तो नया पेपर कैसा होगा, वो किस पैटर्न पे आता है, तो इसके लिए हमें पुराने पेपर को देखने की जरूरत पड़ती है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके पास, और खासकर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो अनसॉल्व बार हैं वो सब हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई सीरीज यूट्यूब पे शुरू की है, जिसपे आपको पिछले 10 साल के पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिए जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए तो आज उसी क्रम में हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसी को शुरू करेंगे। तो ये पेपर जो है, आप ये जान लीजिए, ये पहले जो था ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। अब ये पेपर जो है ये पहले फर्स्ट ईयर में था, अब ये सेकंड ईयर में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अभी किस ईयर में है, सेकंड ईयर में है, ठीक। तो देखते हैं, ये न्यूमेरिकल पेपर है आपका और यूनिट थर्ड का पेपर है ये, ठीक है। फिफ्थ पेपर जो होता है, चलिए पेपर देखते हैं कैसा है। 2020 का पेपर है ये, 2020 का आपके सामने पेपर खुल गया है, इसको आप देख लीजिए, बिजनेस स्टैटिक्स का। और ये ग्रुप सी, ठीक है ना, ग्रुप सी का, और ये पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 5। तो इसमें आपको शुरू करने से पहले बताएं कि 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि पूरे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का जो पेपर है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ए और बी और सी, ठीक। तो जो ए पार्ट है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और बी में 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और सी में 15-15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहला जो ए पार्ट है वो 20 नंबर का, दूसरा जो पार्ट है वो 30 नंबर, और तीसरा जो है, नहीं सॉरी, बी जो है 50 नंबर, और जो सी पार्ट है वो 30 नंबर। इस तरीके से 100 नंबर का ये पेपर बनके तैयार होगा, ठीक। तो इसी में सबसे पहले सारे जो है पार्ट इससे लिए कंपलसरी होते हैं, सभी स्टूडेंट को करना होता है। आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं, कोई लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में डेफिनेशन से शुरू कर रहा है वो, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करना है, ये बाउली की डेफिनेशन, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये हाँ, ये जो वर्ड लिखे इसको हम आपको बता रहे हैं, ये 50 वर्ड का मतलब है यहाँ पे कि आप एक पेज से आधा पेज भी लिख सकते हैं, अब जैसा कंटेंट होगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ प्रसिद्धता को समझाइए, तो ये इसके बारे में बताया गया। फिर आप इसके आगे देखेंगे तो ये सेक्शन ए ही अभी चल रहा है, ये सब जिसे ये दोनों में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में पूछा गया, डिफरेंस पूछा है। फिर सैंपल इन्वेस्टिगेशन ही होता है, जहाँ पे जैसे होता है ना, बहुत सारे होते हैं ए बी सी, जैसे मान लीजिए डी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम सबका टेस्ट नहीं ले सकते। अब इनमें से हमने क्या किया, किसी एक को ले लिया और एक का टेस्ट ले लिया, उसी हिसाब से हमने रिजल्ट बता दिए। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये बारे में पूछा गया। फिर अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है ना, कोई डिजिट है, जैसे हमने लिख दिया 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, 7, 2, 9, 3। अब इसको हमने लिखा तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम चाहे ना तो 4 ऐसे लिख सकते हैं, 4.7 अप्रॉक्स करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो करते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेशन है, आपको समझ में आ गया होगा अप्रोक्सीमेशन, इसके बारे में लिखना है। फिर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में पूछा है, तो बताते चले यहाँ पे कि दो टाइप की, जैसे आपने कभी कहीं देखा होगा 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, और इसके बाद है आप एक देखे होंगे 11 से 20, फिर 21 से 30। ये जो सीरीज चल रही थी ना, अब देखिए इसमें क्या है, 20 यहाँ पे आ गया और ये 30 आगे आ गया, लेकिन इसमें क्या है 20 इसमें आया बट आगे नहीं आया। तो ये जो है दोनों जो छोर है ना बाहर है यहाँ पे, देखिए तो यानी अपर क्लास अगले की लोअर क्लास बन जा रही है। ये होता है हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज में, किसमें होता है एक्सक्लूसिव, और ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक। तो इस तरीके से दिया होता है, इसके बारे में पूछा है दोनों के बारे में। अब एग्जांपल देके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर कृत्रिम आधार रेखा क्या है इसके बारे में पूछा है। फिर योरेज, स्टैटिकल योरेज का मतलब होता है सांख्यिकी मार्ग, मतलब मीन जो है, और हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये लॉरेंस कर्व पूछा गया। और इसके बाद फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बहुत पूछा जाता है, ये फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ये लगभग हर साल फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे यहाँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा सेक्शन बी, ठीक। सेक्शन बी में देखे ना 5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो अभी 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो अब इसमें 5 है, लेकिन सब में एक साथ जो है आर लगा के क्वेश्चन दिया गया। देखिए 200 वर्ड जो लिखना है इसके बारे में, तो 200 वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे 3 पेज, 3 पेज आप लिखेंगे, मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना ही चाहिए अगर थ्योरी है। हाँ, न्यूमेरिकल में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक। तो इसके आगे शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना होगा इसका।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको। अगर आप क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं लग रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सॉल्व करवा देंगे। और जो स्टैटिक्स के वीडियो हमने पब्लिक कर रखे हैं वहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, तो ये इसके बाद थ्योरी दिया गया है इसका, ये थ्योरी है। और फिर ये जो है ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, कोशिश करें ग्राफ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ग्राफ में टाइम भी लगता है लेते हैं तो, या फिर आपको प्रोवाइड हो जाता है आपके कॉलेज में तो बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये जो है आवृत बहुभुज, ये थ्योरी है। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपको हम फार्मूला बताते हैं एक जो है, जैसे dx इक्वल टू जो है x माइनस a होता है, यहीं से फार्मूला जनरेट करके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नोट की इसमें थ्योरी दी गई है, इसकी थ्योरी दिखने लगे अगर ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, ये वाला हार्मोनिक मीन का यूज बताया गया। और इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है अलग से डाला गया पूरा, मतलब यहाँ पे हमारी जो बुक चल रही है उसके सिलेबस में कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इन्होंने डाल रखा तो आपको तो करना है ही। लेकिन जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है इंटर में, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है जो है एसडी के बारे में। ठीक, एसडी है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आपको रिलेशन है, ये दो क्वेश्चन है। अब इनमें से कोई एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं, ये दोनों में से कोई एक करना क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे वाला जब सेक्शन सी शुरू हो जाता है, सेक्शन सी में कुल मिला के देखिए क्वेश्चन 15 नंबर का एक है और दो क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन 500 वर्ड में होना है, हालांकि न्यूमेरिकल पे ऐसा नहीं है, तो ये मान के चलिए 5 पेज, अगर थ्योरी कर रहे हो तो 5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, और यहाँ पे हाँ, और जब सेक्शन सी में जाएंगे न्यूमेरिकल तो आसान आता है, जैसे यहाँ पे मोड और मीडियन का पूछा है, लेकिन लेस देन और मोर देन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखे ना, लो 10 ऐसा लिखा गया है, तो इसको आप एडजस्ट करेंगे फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जो है मोड और मीडियन पूछा है। फिर 8 नंबर की न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखो वेजेस दी गई है और नंबर ऑफ मैन दिया, वर्कर जो दिए गए। अब यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो ये देख लीजिए, फिर यहाँ पे इसको फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंस मेथड से हम निकालते हैं कोरिलेशन। जैसे 3 मेथड ज्यादातर काम आते हैं हमारे, एक कार्ल पियर्सन एक्सपेरिमेंट रैंक डिफरेंस और कंकरेंट डिविजन मेथड, ये 3 तरीके से पूछा जाता है। जिसमें देखिए 10 नंबर में एक वहां पे पूछ लिया था जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें पूछा था ये कार्ल पियर्सन, और यहाँ पे रैंक डिफरेंस, देखो दोनों क्वेश्चन आ गए। अब एक तरीके से अगर आप देखें ना तो आपका कोरिलेशन का, अगर सिर्फ कोरिलेशन आपका तैयार है तो 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल और 15 नंबर का एक न्यूमेरिकल, यानी 25 नंबर का एक चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछ लिया। और आपको भी हम एनालाइज करके बताते हैं। ठीक, और इसके बाद ये हो गया। अब इसके अलावा अब आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये थ्योरी है टाइम सीरीज की दी गई है। हाँ, इस बार टाइम सीरीज की थ्योरी है तो इस बार न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा बनते हैं। इसके मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे, जो बढ़िया मॉडल पेपर होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे पेपर में आने वाले, वही दिए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के बारे में पूछा गया। इस क्वेश्चन को छोड़िएगा भी मत, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हर साल। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करें 7, 8, 9 और 10 और 11, ये इतने क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से करने कितने 2, लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा है। 10 नंबर अगर थ्योरी है, इसके अलावा सारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, सब न्यूमेरिकल है, तो अब आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते, साथ में सेक्शन बी में तो है ही, तो इस पेपर में न्यूमेरिकल से बचने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयार किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए जाके, वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसमें हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।